Devalagnam sudinam tadeva tarabalam chandrabalam tadeva vidyabalam deva balayugam smrami yatra yogesra krishna yatra partho dhanudra tatra sitaya pate namah लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजमम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठाम वातात्मजम वानरयूथमुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्य दशरा मतलब मैं दूं पैसा हाँ पैसा देव मत आप अपने हाथ में ले बोलने के बाद वो तो हम उठने के बाद मांगेंगे तो खत्म होने के टाइम पे विश्वे नमः ओम विष्णु विष्णु गोते महापुरुष ब्राह्मणों ने दूते ब्राह्मण श्रेष्ठ बारह पे पैश मंत्र अष्टम संतत में कल युग क्षेत्र अंतर्गत है मुंबा देवी मंडला अंतर्गत है अंधेरी पश्चिम भागे चार बगला स्थित माढ़ा इसका रूम नंबर कितना है AB61 अंतर रूम अंतर्गत है सर क्या कहना चाहेंगे आज मुहूर्त है फिल्म का क्या बोलना चाहूँगा मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग है और क्या है इसके कास्टिंग के बारे में अभी कास्टिंग देखिए फिलहाल मतलब ऐसा कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन मैं हूँ मोना जी हैं और हमारे फिल्म के डायरेक्टर अजय जी हैं अजय श्रीवास्तव जी और कैमरामैन देवेंद्र जी हैं और अभी ये शुरुआत किए हैं आज मुहूर्त है अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वही तो नहीं बताऊंगा एक लाइन में तो वही इतिहास है मतलब आप समझ लीजिए कि इतिहास अगर हमने टाइटल रखा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ एक बात होगी कि जिसको हम बोल रहे हैं इतिहास तो कुछ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा इतिहास टाइप ही ये आपके बैनर की मूवी है आप प्रोड्यूसर हैं इसमें तो मोनालिसा को खास लेने का मकसद मोनालिसा अच्छा आप कट कर दीजिए मैं बता देता हूँ कट करिए केमिस्ट्री हमारी तो मुझे लगता है ऑडियंस लोग बताएंगे आप भी बता सकते हैं क्योंकि आपने मुझे लगता है कि थोड़े बहुत गाने या अभी हमने एक फिल्म की है प्रेम लीला जो कि 3 जुलाई को रिलीज़ हो रही है इसके पहले मैंने बोला अभी तो उसमें आप देखिए लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी हम सिनेमा करेंगे बेहतरीन केमिस्ट्री के साथ ही करेंगे सोशल मीडिया पे छाई हुई है प्रेम की लीला क्या कहेंगे थैंक यू हाँ मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसमें प्रेम लीला में बहुत मेहनत किया था और पूरी टीम हमारे साथ थी और आप लोगों ने भी साथ दिया है और इसी यही वजह है कि काफ़ी चर्चे में है फिल्म तो कहने वाली बात है कि 3 जुलाई को प्रेम की लीला इतिहास हाँ और मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छा टाइटल मिल गया हेडिंग मिल गया हमारे जी आज इतिहास फिल्म का मुहूर्त है हम लोग गाने से शुरुआत कर रहे हैं ओम झा जी है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने बनाया है वो भी आप लोग सुन के जाएंगे और स्टोरी के बारे में अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये इतिहास आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द शूटिंग के बाद किरदार भी बहुत ही इस बार हमेशा हम लोग बोलते ही हैं डिफरेंट है लेकिन इसमें सच में बहुत डिफरेंट है और इसको प्रेजेंट भी हमारे अजय जी बहुत अच्छे से करेंगे जैसे वो हमेशा अपने फिल्मों में करते हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद है विक्रांत जी का फर्स्ट फिल्म होगा उनके साथ लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है आप और विक्रांत जी की तीसरी फिल्म है ना नहीं और भी है कि 6 से 7 फिल्म हाँ 6 to 7 फिल्म है तो कैसी केमिस्ट्री रहती है सेट पे मैं तो मस्ती ही करता हूँ अब मुझे मतलब दूल्हा अलबेला से लेके हमारी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई है और इसीलिए अच्छी फिल्म जब बनेगी डेफिनेटली लोगों को केमिस्ट्री भी पसंद आएगी और केमिस्ट्री है कहने का मतलब है केमिस्ट्री हिंदी फिल्मों के टाइटल काफी उसी पे फिल्में बन रही है क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में अब क्या करें मतलब शब्द नहीं मिलते ना क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि हो सकता है आप अगर सब्जेक्ट सुनते हो तो आप भी यही बात बोलें कि इतिहास ही हाँ ये क्या बोलूँ बताइए आप बता दीजिए तो उसी हिसाब से बोलूँ इतिहासवा बोल दूँ इतिहासवा बोलूँ इतिहासवा मैं लोगों की बात नहीं करता मैं अपनी बात कर सकता हूँ मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर आपसे बात करूंगा और मैंने आपसे पूछा इतिहासवा बोलूँ
नहीं प्रेम लीला जैसे फिल्म का नाम भी प्रेम था, हीरो का नाम प्रेम था, लीला मैं थी, प्रेम लीला। हाँ, और एक्चुअली और प्रेम लीला के पीछे भी एक है स्टोरी की प्रेम का लीला। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी टाइटल मतलब ये नहीं है कि किसी लैंग्वेज के लिए मतलब कि बना हुआ है, जो शब्द जाके फिट होता है वो बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि जो भोजपुरी लैंग्वेज है बहुत ही करीब है जो हिंदी लैंग्वेज के, बहुत करीब पाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि बाकी लैंग्वेज इतना करीब होती है, तो ये रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। आने वाली 3 तारीख को जो आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, उसके लिए दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो पहले से अपील कर चुका हूँ, आए और फिल्म को देखें। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि 3 जुलाई को मेरी फिल्म प्रीमियर आ रही है, और मुझे इतना भरोसा है कि आप लोग अगर इस फिल्म को देखते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप जरूर चाहेंगे कि हम लोग साथ में फिर से एक फिल्म लेके आए आप लोगों के लिए। और लंबोदर एंटरटेनमेंट से फिल्म, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में आए। थैंक यू। एक अभी ऑडियंस से ये बोल दीजिए, एक एक हां 3 जुलाई की। नमस्कार, मैं हूं मोनालिसा, हमारी फिल्म आ रही है 3 जुलाई को प्रेम लीला, आप लोग जरूर देखिए। हां लेंगे भाई, पंडित जी 50% ले लो। एकदम अजय जी बात करें, आज आपकी फिल्म इतिहास का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इतिहास, थैंक यू। इतिहास किस तरह से बनने वाली है? इतिहास किस, इतिहास क्या है, हमेशा बनने के बाद पता लगता है कि इतिहास क्या है। आपको पहले कभी पता चला कि इतिहास क्या था? जब वो चीज़ हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं कि ये इतिहास था, तो अभी से बताना मुश्किल है कि इतिहास क्या है। बात करें स्टार कास्ट में, तो इसमें कौन कौन लोग नज़र आने वाले हैं? स्टार कास्ट में विक्रांत सिंह हैं, मोनालिसा जी हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं कैसे क्या फाइनलाइज होती हैं। म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक के बारे में ये ओम जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अब फिल्म का नाम इतिहास है, डेफिनेटली इतिहास रचने की कोशिश करेंगे हम। गाने से गाने भी बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अजय जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, लंबोदर एंटरटेनमेंट ने मुझे बहुत अच्छा चांस दिया है, और सबसे अच्छी बात ये है मुझे अच्छा गाना चुनने दिया। किस सिंगर ने गाने? अभी तो आज मुहूर्त सॉन्ग है, आज खुशबू जी गा रही हैं, फिलहाल आज के गाने तो खुशबू जी गा रही हैं, बाकी और सारे गाने सिचुएशन अच्छा है। लाइन में इतना नहीं बता पाऊँगा, बट लाइन थोड़े दिन अगर वहाँ क्लिप अगर आप आइए फिर से क्लिप रिकॉर्ड है, ये है अच्छे हैं आप। उनकी हाइट कम है, बाकी काम बहुत अच्छा करते हैं।